गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ क्लब सैंडविच। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स में चाहिए कैप्सिकम, टोमेटो, कैबेज और ऑनियन। सो इसको सबको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है। उसके बाद मैंने सबको मिक्स कर लिया है अच्छे से, आप देख ही सकते हो इस वीडियो में। तो मैंने कॉबिज, कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटो को एक साथ मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छे बारीक से छोटे छोटे कट कर लेना है आप सब। उसके बाद मैंने ये विंग ग्रीन्स का मेयोनीज लिया है। आप मायो अच्छे से ही डालना क्योंकि ये क्लब सैंडविच है ना, तो उसमें मेयोनीज अच्छा लगता है। सो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें मायो डाला है, आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में। उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर दो और उसके बाद आप उसमें डालना आपके टेस्ट के अनुसार नमक, सॉल्ट। ओके, सॉल्ट डालने के बाद मैंने उसमें ओरिगानो और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने एक बाउल में टोमेटो केचप और विंग ग्रीन्स का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है। उसके बाद मैंने ब्रेड पे, वो दोनों हमने मिक्स किया था ना, टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, वो अप्लाई कर दिया है अच्छे से। उसके बाद हमने जो स्टफिंग बनाया था ना, वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया। मुझे भी अच्छे से लगा देना क्योंकि अच्छा टेस्ट आने के लिए हमें उसे अच्छे से ही कवर करना होगा पेड़ को। इसके बाद मैंने अपना सबका फेवरेट अमूल चीज़ ज़्यादा ही डालना क्योंकि चीज़ सबको पसंद है, बड़े को, बच्चे को, सबको। ये मैंने डाल दिया है। फिर बाद में मैं उसे तवे पे अच्छे से सेक लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि सैंडविच क्रिस्पी अच्छी लगती है। गाइस ये हमारी सैंडविच बनके तैयार है। आपको कैसी लगी? आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।